आपकी वेबसाइट पर कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिन पर आप चाहते हैं कि गूगल का या फिर किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर क्रॉलिंग ना करे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस तरीके की, उस फाइल की, जिसकी वजह से आप क्रॉलर्स को बता सकते हैं कि ये हमारा पेज क्रॉल नहीं करना है, ये पेज क्रॉल करना है। और उस तरीके का नाम है robots.txt फाइल। तो ये क्या होता है, कैसे हम इसको जनरेट करते हैं, कैसे हम इसको सबमिट करवाते हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज की इस एक वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं robots.txt की। नाम थोड़ा सा सुनने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत ही ईजी चीज़ है। आज की ये वीडियो देख लो, दोबारा कभी नहीं भूलोगे कि robots.txt क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। सिंपल सा, जैसे मैंने भी आपको बताया, हमारी वेबसाइट पर ज़रूर कुछ ऐसे पेजेस होंगे जो हम चाहते हैं कि क्रॉलर नहीं क्रॉल करे। या फिर कॉमन सेंस से आप सोचिए, जैसे मान लीजिए किसी बैंक की वेबसाइट है, बैंक की वेबसाइट पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, हमारे पासकोड्स भी हैं, हमारी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी है, जो हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं उसकी डिटेल्स भी हैं। तो ये सारे पेजेस मेरे लिए तो मेरे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जो बैंक ओनर है, यानी जो वेबसाइट ओनर है, उसके लिए भी वो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन क्रॉलर, जो कि एक बोट है, यानी एक रोबोट है, क्रॉलर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक पेज है जहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो क्रॉलर उसे क्रॉल करेगा। तो ऐसे कुछ पेजेस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जहां पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है हमारे यूजर की, या फिर मैं कुछ ऐसे पेजेस जहां पर कुछ ऐसी डिटेल है जो ना हम रैंक करवाना चाहते हैं, ना हम इंडेक्स करवाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप जो है हमारे सर्च इंजन की वर्किंग का क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग पे ही हम उसे रोकना चाहते हैं कि आप इसकी क्रॉलिंग ही मत कीजिए, क्योंकि ना इसकी इंडेक्सिंग की जरूरत है, ना इसकी रैंकिंग की जरूरत है। तो कुछ ऐसे पेजेस जिन पर आप चाहते हैं कि क्रॉलिंग ना हो, आपका सर्च इंजन का क्रॉलर आए वो उस पेज पर ना जाए, उस पेज को ना पढ़े, तो इसके लिए हम उसको ऐड कर देते हैं हमारी robots.txt फाइल में। अब उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी भी वेबसाइट की robots.txt फाइल देखनी है, तो सिंपली आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है, जैसे हम sitemap.xml टाइप कर रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ पर स्लैश लगा के टाइप करना है robots.txt फाइल। txt एक एक्सटेंशन होता है, और रोबोट फाइल, ये जो फाइल होती है जहां पर हम क्रॉलिंग स्टॉप करवाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये फाइल .txt फॉर्मेट में होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंपली से हमें ये टाइप करना है। अब देखिए यहां पर ये कुछ एक पेजेस की लिस्ट खुल जाएगी, देखने में थोड़ा सा कोडिंग लग रहा है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। देखिए अब ये देखो ना, यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, जनरेटेड बाय स्मॉल SEO टूल्स, इसको एक बार इग्नोर करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, नोट पैड पर मैं इसको लिख के आपको बता देती हूँ कि आखिर है क्या। अब ये देखिए, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, क्योंकि ये स्मॉल SEO टूल से जनरेट हुई है, तो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी फाइल दिखती है, ठीक है। अभी तक वो जो स्टार्टिंग में आ रहा था ना, वो तो स्मॉल SEO टूल का यूज किया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी मार्केटिंग वहां पर कर दी है। ओके, सो ये देखिए, सबसे पहले लिखा होता है हमारी इस फाइल में user-agent:: के बाद में आपका abstract आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से ये कंपलसरी है लिखना, इसी से ही हमारी ये जो robots.txt फाइल होती है शुरू होती है। उसके बाद में disallow। अब disallow का मतलब क्या है, कि इस पेज को मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ कि गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर आए और इसको क्रॉल करे। अब इस disallow के आगे जो भी आप लिंक ऐड करोगे, आप देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये लिंक है। अब ये लिंक नहीं है, ये बेसिकली स्लग है, या फिर मैं कह सकता हूँ परमा लिंक है, जो आपका, जैसे मान लीजिए कोई भी पेज मैंने ओपन किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल WsCubeTech का ये वाला प्लेस स्टूडेंट्स वाला जो पेज है, ये मैंने ओपन किया, और मैं चाहती हूँ कि ये पेज जो है ना, ये क्रॉल ना करे गूगल, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगी, सिंपली इसका ये जो मैं पार्ट हटा देती हूँ, एंड दिस ये वाला पार्ट, मतलब ये WsCubeTech.com, ये तो डोमेन नेम आ गया। उसके बाद में जो हमारा स्लग है, एक्सटेंशन है, जो हमारा परमा लिंक है, उसको मैं कर लेती हूँ कॉपी, और ये जो मेरी फाइल है यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आर प्ले स्टूडेंट्स वाला पेज है मेरा WsCubeTech का, ये क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ अपलोड नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ, मैं आपको फाइल में ऐड करके बता रही हूँ, इसको हमें अपलोड भी करना होता है, ठीक है। ये आपने कर दिया, उसके बाद में ये देखिए, ये एक पेज है। उसके अलावा ये देखिए, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ओके जी, ये देखिए, तो ये यहाँ पर जो ये वेब वर्कशॉप है, मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर क्रॉल हो, तो इसीलिए हम इसको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है जी। ये देखिए, डिसअलाउ एंड डिसअलाउ कोलन आ जाएगा, और उसके बाद में जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल
अबाउट अस वाला जो पेज है मैं उसको क्रॉल नहीं कराना चाहती तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। सो ये आपको करना है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज अलाउ, ठीक है, इस तरह से अलाउ। अब यहाँ पर सवाल आता है, देखिए हम साइट मैप में जो भी लिंक्स ऐड कर रहे हैं वो सभी क्रॉलिंग के लिए ही कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं क्रॉल तो करेगा ही उनको क्रॉलर, तो हम अलाउ क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। डिसअलाउ हम समझ गए कि इस पेज को क्रॉल नहीं करना, हमने उसे बता दिया, लेकिन जब वो पूरे घर को यानी पूरी वेबसाइट को क्रॉल करने आएगा तो ऐसे कौन से वो पेजेस होंगे जिन पर हम बोलेंगे कि आप इनको अलाउ कीजिए, वो देख लीजिएगा, ठीक है एक बार। तो देखिए इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एग्जांपल ले रही हूँ अभी मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें मेन क्लोथिंग वाली जो कैटेगरी है मैं चाहती हूँ कि वो जो है डिसअलाउ हो जाए, उसको क्रॉल ना करें, लेकिन मेन क्लोथिंग को तो मैंने कर दिया, लेकिन मेन क्लोथिंग के अंदर ही एक ऐसा ही पेज था जो मैं चाहती हूँ कि वो तो जरूरी है कि वो अलाउ हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जैसे मेन क्लोथिंग मैंने कर दिया, देखिए मेन क्लोथिंग को अगर आपने डिसअलाउ कर दिया तो ऐसे जितने भी पेजेस हैं जो कि मेन क्लोथिंग से अटैच्ड हैं या फिर डायरेक्टली मेन क्लोथिंग की कैटेगरीज में आते हैं तो वो सब पर भी क्रॉलर नहीं जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ठीक है मेन क्लोथिंग को आप यहाँ पर डिसअलाउ कर दो, क्रॉल मत करो, लेकिन मेन क्लोथिंग में ही जैसे टी शर्ट वाला जो पेज है टी शर्ट वाला, उसको मैं चाहती हूँ कि वो क्रॉल हो। अब देखिए मेन क्लोथिंग को अगर मैंने कर दिया डिसअलाउ तो मेन क्लोथिंग से अटैच मतलब इस कैटेगरी में जितने भी हमारे पेजेस आ जाएंगे जो भी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिसका लिंक मेन क्लोथिंग पर ही डला हुआ है वो सारे पेजेस मेरे क्या हो जाएंगे, वो भी डिसअलाउ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहती, मैं मेन क्लोथिंग को करना चाहती हूँ डिसअलाउ, लेकिन जो इसके अंदर जो एक टी शर्ट वाला पेज है उसको मैं अलाउ करना चाहती हूँ, वैसे ही मेन क्लोथिंग में जो शर्ट्स वाला पेज है उसको मैं अलाउ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अलाउ लिखूंगी। आई होप थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ होगा। वैसे यूजुअली मतलब मेरा मतलब है 90% टाइम जो हमारी robots.txt फाइल होती है उसमें डिसअलाउ वाले ही हम स्लग्स ऐड करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि एक पेज आपको डिसअलाउ करना है लेकिन उस पर कुछ लिंक्स एडेड हैं उस पेजेस पर और ऐसे कुछ लिंक्स हैं जो कि उसी पेज पर एडेड है पूरी वेबसाइट पर, तो ऐसे में क्रॉलर आगे भी नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर वो स्लग्स डाल रहे हैं, वो लिंक डाल रहे हैं जिस पर हम क्रॉलिंग करवाना चाहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा आइडिया। तो ये अब हमें हमारी वेबसाइट पर जितने भी जो पेजेस हैं उनमें से जिनको भी हम क्रॉलिंग जिनकी नहीं करवाना चाहते उनको हम यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, user-agent:: और देन ये स्टार, ये आपको जरूर लिखना है। अब यहाँ पर ये जो स्टार लिखा हुआ है ना इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर ये स्टार से बना हुआ है ना इसको बोला जाता है एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क हम तब बनाते हैं जब हमारे यहाँ पर नाम फिक्स नहीं है। अब देखिए ये जो जगह है ना यहाँ पर बेसिकली आएगा वो बोट जिसके लिए आप ये क्रॉलिंग बंद करना चाहते हो, जैसे गूगल का सर्च इंजन है तो गूगल का बोट होगा, याहू का सर्च इंजन है तो याहू का खुद का बोट होगा, तो ये स्टार लगा के यानी एक एस्टेरिस्क लगा के हमने ये बता दिया कि चाहे कोई भी बोट हो आपको ये पेज को क्रॉल करना अलाउड नहीं है, आपको हमने ये डिसअलाउ कर रखे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई गूगल के लिए तो ये फ्री है, गूगल भले ही क्रॉल करे, लेकिन एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि भाई याहू का जो बोट है ना उसके लिए मैंने ये बंद कर रखे हैं, मतलब गूगल तो करेगा, यहाँ पर बिंग आएगा वो भी करेगा, सारे सर्च इंजन इसको क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो याहू का बोट है वो इसको क्रॉल नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने याहू बोट लिख दिया। लेकिन 99% ऐसे ही केसेस होते हैं जिसमें हम सारे सर्च इंजन को डिसअलाउ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम एस्टेरिस्क लगाते हैं। आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा। इन केस कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि ये स्टार क्यों लगता है तो ये एस्टेरिस्क बोला जाता है, और ये किस लिए होता है कि बोट स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर हमने स्टार लगाया तो इसका मतलब है सारे बोट, चाहे कुछ भी हो कोई भी बोट हो जाए, और जरूरी नहीं सर्च इंजन का ही बोट हो, कई जो ऐसे आपके प्लगइन्स होते हैं एक्सटेंशंस होते हैं जैसे SEMrush के बारे में आपने सुना होगा, तो ये extension भी आपकी website को crawling करते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए जैसे SEMrush board मैंने लगा दिया, तो मतलब सबके लिए ये available है, लेकिन जो SEMrush board है सिर्फ उसके लिए ये disallowed है ये सारे pages, ठीक है। So I hope थोड़ा सा idea आपको clear हुआ होगा। अब ये file बन गई है, अब इसको करना क्या है, simple तरीका, फाइल इसको करना है सेव। आप ये चीज वर्ड पैड में भी कर सकते हो, मैंने नोट पैड नॉर्मली जो आपका डेस्कटॉप का है वो यूज लिया है। अब इसको क्लिक करना है सेव एज पर, ठीक है। सेव एज जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या नाम डालना है, हमें डालना है यहाँ पर नाम रोबोट्स, ठीक है, रोबोट्स नाम डालना है, और सेव टाइप इसका क्या रहेगा, .txt। यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा कि ये .txt के ही फॉर्मेट में हो, और इसको हम कर देंगे सेव।
ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं इसको हटा देती हूँ। और अब देखिए मैं इसको एक बार फाइल को आपकी ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारी फाइल थी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब सबसे पहले तो नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट देख लेते हैं, फिर मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पर लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, तो जी इसके लिए हम जाने यूज करने वाले हैं सी पैनल को। सी पैनल पर मैं एक बार लॉग इन हो जाते हैं। अब जैसे कि हमने sitemap.xml अपलोड किया था वैसे ही हमें करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने पर के बाद में ये देखिए पब्लिक -html यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर robots.txt अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको अपलोड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली अपलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में करनी है सिलेक्ट फाइल, तो जहां भी आपने सेव की थी ना ये फाइल उसको उठा लो। ठीक है, ये देखो ये वाली फाइल है, इसको हम कर देते हैं ओपन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या पूछ रहा है कि ऑलरेडी ये फाइल अवेलेबल है तो इसको ओवरराइट करना चाहते हैं, तो यस कर देते हैं। अगर पहली बार आप अपलोड कर रहे हैं तो ये नहीं ऑप्शन आपके पास आएगा। तो ये देखिए ये अपलोड हो चुका है, ये अपलोड करने के बाद में गो बैक टू होम आ जाएगा। और आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये robots.txt फाइल लग गई है और आज ये 7:24 देखिए सेम टाइम पर ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी लगाया है आप देखेंगे तो मैंने क्या टाइप किया है, gyanum.com जो मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम था, उसके बाद में स्लैश लगा के robots.txt देखा, तो ये देखिए पूरी हमारे पास लिस्ट आ गई है जो हमने अपलोड की थी एज इट इज। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप robots.txt फाइल ऐड कर सकते हो। इसके फायदे हमने देख लिए। एक चीज याद रखना है, ये robots.txt होता है, ये बहुत बार मैं भी गलती करती थी अपने टाइम में, तो आप ना करें इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो robots.txt है, एस जरूर लगाना है, ओके, तभी आप इसको चेक कर पाएंगे। तो ये हो गया, अब चल लेते हैं वर्डप्रेस पर, क्योंकि मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वर्डप्रेस का भी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल दूंगी और साथ ही मैं आपको नॉन वर्डप्रेस का भी दूंगी। तो नॉन वर्डप्रेस का मैंने आपको ट्यूटोरियल दे दिया है, लेकिन देखिए अभी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर सी पैनल आपको नहीं मिलेगा। जैसे WPS वेबसाइट की मैं अगर बात करूं तो ऐसे में आपको ये फाइल बना के या तो आप डेवलपर को दे सकते हो या फिर डेवलपर को आप पेजेस की लिस्ट दे सकते हो कि ये पेजेस को हमें डिसअलाउ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो साइट है वहां पर ये सारे जो robots.txt फाइल है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो तीनों ही तरीके आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वर्डप्रेस पर चल लेते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं वर्डप्रेस पर। तो देखिए वर्डप्रेस पर तो बहुत ही इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप वर्डप्रेस की पर आपकी वेबसाइट है तो SEO बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब कुछ इसमें फंक्शंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें ना सजेस्ट करूँगी। वर्डप्रेस ना इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं इसी वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइट इस पर नहीं बनती, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का डर रहता है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जो जो प्लगइन्स मैं आपको बता रही हूँ ना, या फिर कोई जो ऑथराइज्ड बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में है, जैसे योस्ट हो गया, ऑल इन वन हो गया, तो यही आप यूज कीजिए, कोई भी ऐसा वैसा प्लगइन्स इंस्टॉल मत कीजिए। ठीक है, सो ये मेरी एक छोटी सी सजेशन रहेगा, बाकी तो आपकी मर्जी है मानना। ओके जी, तो यहाँ पर मैं जो प्लगइन यूज कर रही हूँ वो ऑल इन वन SEO यूज कर रही हूँ। वैसे आप ये योस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑल इन वन SEO यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद है। ओके, चलिए, सो ऑल इन वन SEO में टूल्स में जाना है। ठीक है, योस्ट में भी आपको टूल्स में ही जाना है। तो ये देखिए टूल्स में हम आ जाएंगे, तो टूल्स में आने के बाद ये देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है robots.txt एडिटर। स्क्रोल डाउन करो, स्क्रोल डाउन करो, ये देखो फाइल बनी हुई है। फाइल में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका डायरेक्टरी पाथ यानी आपका जो स्लग है, आपका जो परमा लिंक है, वो यहाँ पर ऐड करना है। ऐड जैसे ही आप करेंगे, अब उसको अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है, मतलब आपको ये पूरा कोड भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये करने के बाद में आप कर देंगे सेव चेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। चलिए जी, ये WSCryptTech का कोई भी पेज मैं ओपन कर लेती हूँ और उसका स्लग हम कर लेते हैं कॉपी। ओके जी, ओके, इसको मैं कर लिया मैंने कॉपी, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी पेज। देखिए वैसे तो ये अवेलेबल है नहीं इस वेबसाइट पर, बट स्टिल हम इसको ऐड कर देते हैं। अब इसको अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है वो आपके ऊपर है, आप देख सकते हैं। और कौन सा यूजर एजेंट होना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे मैं याहू बोट को करना चाहती हूँ। ओके, सो ये याहू बोट के लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सारे सर्च इंजन के लिए लगा रही हूँ, तो ये लगाने के बाद में आपको कर देना है सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस के बाद में आपकी robots.txt फाइल हो जाएगी अपडेट। और ये जो पर्टिकुलर पेज मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये क्रॉल नहीं होगा बाय एनी सर्च इंजन और एनी बोट। सो आई होप robots.txt से रिलेटेड जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, कुछ सीखा होगा आपने वीडियो में। अगर इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हो ना तो WSCryptTech को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल भी मत भूलना। एंड कंप्लीट कोर्स चल रहा है SEO का, आई होप आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बस इसी तरह से पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहो एंड लाइफ में कुछ नया करते रहो। एंड WSCryptTech को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार फिर से बोल रही हूँ। एंड
कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, जिससे मैं आपके सारे क्वेरी मैं देखती हूँ और एक वीडियो कंप्लीट लेके आऊंगी जहाँ पर आपके सारे आंसर्स होंगे। थैंक यू सो मच।